नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बैरागढ़ से लौट रहे डीजी ज्वेल अरविंद कुमार की कार को तेज रफ्तार ट्रक ने वीआईपी रोड पर टक्कर मार दी। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। डीजी की सरकारी कार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। तलैया पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। जेल डीजी की कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा वीआईपी रोड पर उस वक्त हुआ जब ट्रक ओवरटेक कर रहा था। डिवाइडर से टकराकर कार के पहिए थम गए। हादसा सोमवार रात उस वक्त हुआ जब जेल डीजी बैरागढ़ से भोपाल लौट रहे थे। डीजी अरविंद कुमार ने बताया है कि रात में वो निजी कार्यक्रम में शामिल होने बैरागढ़ गए थे। रात करीब 11:30 बजे वे वापस लौट रहे थे, तभी वीआईपी रोड पर राजा भोज प्रतिमा के सामने मस्जिद के बाद संभवतः उनके ड्राइवर ने आगे निकलने के लिए ट्रक को ओवरटेक किया। तभी ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी लहरा दी, इससे उनकी कार को टक्कर लग गई। कार सीधे डिवाइडर में जा टकराई। विंडो कांच के टूटने से उनके टुकड़े ड्राइवर को लगे, जिससे उसे चोट आई। तलैया पुलिस ने डीजी के ड्राइवर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद जेल डीजी दूसरे वाहन से घर के लिए रवाना हुए। सर, कल देर रात जेल डीजी की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। जेल डीजी साहब की गाड़ी कल देर रात वीआईपी रोड से आ रही थी। पीछे से लाल घाटी की तरफ से आने वाली ट्रक जो MP09 इंदौर पासिंग है, उस ट्रक के द्वारा लापरवाही पूर्वक चला करके और उस पर गाड़ी पर एक्सीडेंट किया था, जिस पर से 279/337 का मामला ड्राइवर के द्वारा पंजीबद्ध कराया गया है। ट्रक को वजह सबूत जब्त किया गया है और बाकी विवेचना जारी है। सर, ड्राइवर कौन है? भोपाल के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले? नहीं, जो ड्राइवर है वो ट्रक का ड्राइवर वो इंदौर का रहने वाला है। बाकी जो साहब की गाड़ी चला रहा था वो प्रहलाद है, जो शासकीय कर्मचारी है। थोड़ी सी चोट ड्राइवर को लगी हुई है, बाकी गाड़ी डैमेज हुई है। उसी के मुताबिक धाराम में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हाँ, ड्राइवर के द्वारा तो बताया गया कि साहब भी थे और वो खुद था। पुलिस ने बताया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जेल डीजी को चोट नहीं लगी है, वे बाल बाल बच गए। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।